क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ी थी क्या? नहीं थी वो नहीं थी। 2012 में जब हुआ ना तब हम लोग ने हाईलाइट भी किए थे उसके। बहुत अच्छा हुआ स्कूल का। इतने बच्चे आज 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, साढ़े पाँच सौ जो भी पढ़ रहे हैं, उन लोगों को फ्रेश पहुँच रहे हैं ना। 8 साल से कोई स्टूडेंट यहाँ पे है, क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? इब्राहिम भाई, आज आप आए यहाँ पर तो किस तरह से आपने देखा यहाँ की जो सच्चाई है? आपने कहा कि हमने इस स्कूल को लाया और बच्चों को एजुकेशन दे रहे, पढ़ेगा मुमरा तो आगे बढ़ेगा मुमरा, नो डाउट। लेकिन जो यहाँ पर टीचर की कमी है, जैसे कि 4 टीचर है उसमें 12 टीचर की आवश्यकता है ऐसा हमें जानकारी मिली, तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे? महापालिका ना ये हाथी की चमड़ी है, गेंडे की चमड़ी है, ये है ना, इनको सीधा इंजेक्शन जमता नहीं, इनको बड़ा टोचा लगाना पड़ता है जब जाके महापालिका एक्टिव होती है। ये गलत हो रहा है, इसके ऊपर कोई इनकार नहीं है। इसके ऊपर हम कल जून महीने से इसके ऊपर फॉलो अप ले रहे हैं। और महापालिका क्या कर रही, भर्ती नहीं कर रही लोगों को, तासिका बेस पर लोगों को स्कूल में लाती है पढ़ाने के लिए, फिर उनको पगार भी देने को महापालिका 2 महीना 4 महीना 6 महीना डिले करती है। उसमें एक हमारे एक टीचर है आर्शिया बिचारी, वो जब से स्कूल खुली है 2012 से, जो भी 8 साल 9 साल हो गए, तब से वो टीचर यहाँ पे पढ़ा रही। उसने बहुत स्ट्रगल किया स्कूल के लिए, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन आज भी वो प्राइवेट ही है, उसको अभी तक बोल के 3 साल के बाद में उसको एक होना चाहिए क्या परमानेंट उसको जॉब मिले, लेकिन बेचारी को आज तक नहीं मिला। लेकिन एक उम्मीद से वो आज भी बच्चों को फायदा मिले इसलिए वो पढ़ा रही। हम प्रशासन को बोलते हैं कि ऐसे लोग, वो बेचारी भांडुपिया कहीं से आती है, उसको 6,000 पगार थी, बताओ अभी आने जाने में उसको 6,000 जाते ही नहीं, जाने जाते तो भी एक हिम्मत और हौसले के साथ में पढ़ा रही है। हम उसके ऊपर बेचारी को कोशिश भी करेंगे किसी तरह उसको जॉब कंटिन्यू मिल जाए। टीचर की जो कमी है, 52-53 टीचर का सिलेक्शन हुआ है जहांगीर भाई, और कुछ टीचर इंशाल्लाह वो स्कूल में आ रहे, कुछ टीचर इधर आएंगे। मेरे ख्याल से आज ही मंडे का वो टाइम था, इत्तेफाक ऐसा हो गया वो टीचर्स यहाँ पे आज पता नहीं उनका क्या हुआ तो वो आज आए नहीं, लेकिन यही हफ्ते में इंशाल्लाह यहाँ पे टीचर आएंगे और उसको इंशाल्लाह फुलफिल करके आगे का काम करेंगे। टॉयलेट बाथरूम की जो खस्ता हालत है, बनते ही उजड़ गया आशियाना जैसा, वहाँ पर गंदगी और गंजेड़ी आके वहाँ पर बैठ के गांजा पीते हैं, नशा करते हैं, उसके ऊपर इब्राहिम राव क्या करेंगे? बिल्कुल भाई तुम्हारी बात सही है, उसके लिए अभी हमने क्या किया, देखो टेम्पररी टॉयलेट पहले माले पे भी है, टेम्पररी टॉयलेट ग्राउंड फ्लोर पे भी है, तो बच्चे लोग फिलहाल यहाँ जाते हैं, यहाँ पे नशेड़ी आते हैं, इसकी भी कोई दो राय नहीं है, कोई शक की बात नहीं है, इसलिए हमने उसको यहाँ से अभी पार्टीशन करके उसको फिलहाल बंद कर दिया और नए की कोशिश में चालू है। अभी हमने सर्वे किया, 3 माला तक बहुत गंदगी है, दरवाजे खुले हैं, तो आप इसको पैक करेंगे? दरवाजे खुले रहे, दरवाजे चरसी लोग ने चोरी करके लेके गए हैं यहाँ पे, हम लोग कितनी बार आदमी बिठाएंगे वहाँ पे। प्रशासन का भी है, खुद का भी है जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर ध्यान दे, उनके क्या बोलते हैं, उनको जहन नशीन करने के बाद भी उसके ऊपर लापरवाही हो रही है, और इंशाल्लाह वो कोशिश करके नया टॉयलेट भी बनाएंगे। और स्कूल में भी जो भी प्रॉब्लम्स है, देखो जहाँ काम होता है ना वहाँ प्रॉब्लम भी होते हैं, उसके ऊपर सॉल्व करके इंशाल्लाह। गंजेड़ी कल से ना आए तो आपके पास क्या रास्ता है? देखो हम कोशिश करेंगे कि वो ना आए, लेकिन वो देखो चोर को चोरी करने के लिए तुम्हारा दरवाज़ा बंद है तो भी वो चोरी करने आता ही है, कोशिश करेंगे वो नहीं आए। सिक्योरिटी को भी इसके बारे में बोल के रखेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डे नाइट सिक्योरिटी रहती है, 24 घंटा रहती है, तो उनको भी बोलेंगे आप कंटिन्यूस ध्यान रखो, और वो भी साले डरते कहीं आके मार नहीं देवे कुछ नहीं देवे, फिर भी इंशाल्लाह बोल के पुलिस को भी इसके ऊपर हम तोसा चौकी भी बोलने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारा जो एक शाम में या रात में एक राउंड अप रखो ताकि ये चर्सी लोग ना आए, और ये इसमें कुछ मैं बोलता नहीं कि पूरी तरह से बंद होएगा, वो कोशिश करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा कमी है और वो बंद हो जाए। कितने साल से चल रही है स्कूल? स्कूल जहांगीर भाई मेरे ख्याल से 2014 से या 12 से चल रही है, पहले हमने इसको शुरू किया था ना, 8 से 9 साल हो गए। हाँ। सर 8 से 9 साल में आपने CCTV कैमरे का इंतजाम नहीं किया, ये तो बहुत ही मतलब आपका काम इसमें फेल नजर आ रहा है। मैंने प्रशासन को इसके बारे में बोले थे, कोशिश करेंगे वो भी लगाने में, पहले ही आपको बोला प्रशासन बहुत मोटी चमड़ी है, उसको छोटा इंजेक्शन नहीं चलता है, बड़ा इंजेक्शन लगता है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह तुम्हारी बात दुरुस्त है, सिक्योरिटी कैमरा जो लगना चाहिए वो लगाने के लिए इंशाल्लाह पूरी कोशिश। मौजूदा में जिससे आप जुड़े हो, जिस पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन यहाँ पर नजीब मुल्ला से आप अपील कीजिए, या तो फिर मैं बोल दूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पर नजीब मुल्ला जी आप CCTV कैमरे का इंतजाम कर दें। नहीं नहीं आप
आप भी बोल दो, आपके माध्यम से भी बात पूछेगी तो पत्रकार भी एक पिलर है राजनीति का, वो बहुत अच्छी बात है। आप भी बोला, इंशाल्लाह मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द से जल्द इधर सिक्योरिटी कैमरा लगाए और जिससे लोगों की सुरक्षा, बच्चों की जो है सुरक्षा होगी इंशाल्लाह। थैंक यू।